क्यों संबोधि दिवस, एक बुद्ध का एनलाइटनमेंट डे हम सबके लिए क्यों खास है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट? क्या क्या मैसेज है इस दिन में हम सबके लिए, एज सीकर्स, एज मेडिटेटर्स, एज पीपल ऑन द पाथ? व्हाट इज इट दैट वी मस्ट लुक एट? या ये दिन हमें क्या दे सकता है, या ये दिन हमें क्या दिखा सकता है? व्हाट इज दैट? सो आई थॉट आई विल टॉक अबाउट दैट टुडे, शेयर अ फ्यू थॉट्स विद ऑल ऑफ यू. एनलाइटनमेंट डे, संबोधि दिवस, आई थिंक ये दिन है प्यास को जानने का और प्यास को जगाने का. इट्स अ रिमाइंडर एंड एन इंडिकेशन फॉर दिस लॉन्गिंग विच मस्ट बी अवेकन्ड इन ईच हार्ट. क्योंकि मिलेगा तो उतना जितनी ही प्यास होगी. वी आर ऑल सर्चिंग, हम सब कुछ ढूंढ रहे हैं. बट उतने ही अनुपात में मिलेगा वट एवर वी आर लुकिंग फॉर, उतने ही अनुपात में मिलेगा जितनी अनुपात की प्यास होगी. इफ द थर्स्ट इज 20%, सो यू कांट एक्सपेक्ट टू टच 100%. इफ द सर्च, इफ द थर्स्ट इज 50%, देन द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ विल ऑल्सो बी इन द सेम प्रपोर्शन. पिछले काफ़ी सालों में बहुत सारे मित्रों, सीकर फ्रेंड से मिलने के बाद ये बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि जो चीज़ लैग कर रही है दैट इज द थर्स्ट. और आज का दिन या किसी भी बुद्ध के जागने का दिन प्रतीक है, यादगार है कि थर्स्ट के बिना काम नहीं होगा. इट इज़ द थर्स्ट दैट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ ऑफ योर Your truth. कहानी है ओशो के जीवन से, शायद आप में से कुछ मित्रों ने सुनी हो. कहते हैं कि जब ओशो ने जन्म लिया तो पहले 3 दिन तक माँ का दूध नहीं पिया, कुछ खाया पिया नहीं. कहते हैं क्योंकि वो 3 दिन पिछले जन्म की कोई साधना अधूरी थी जो वो इस और 3 दिन की साधना अधूरी थी, विच ही वॉज कंप्लीटिंग इन द फर्स्ट 3 डेज व्हेन ही टुक बर्थ ऑन अर्थ. फिर जर्नी की शुरुआत होती है. द नोशो गेट्स एनलाइटन्ड व्हेन ही इज 21. सो ये जो पहला 21 वर्ष का पीरियड है, इफ़ यू हैव सीन एनी ऑफ ओशोज ओल्ड फोटोज, अगर आपने ओशो की कोई तस्वीरें देखी हैं 21 साल से पहले की, तस्वीरों में बड़ा राज छुपा रहता है अगर तस्वीरें देखनी आए तो ओशो की अगर आप पहले 21 साल से पहले की तस्वीरें देखें तो बड़ी बेचैनी दिखेगी उन तस्वीरों में आपको, बड़ी तड़प दिखेगी, बड़ी उदासी भी दिखेगी कई तस्वीरों में आपको, एक जुनून दिखेगा तस्वीरों में आपको, एक रेस्टलेसनेस दिखेगी आपको, प्यास दिखेगी आपको. सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से आप उनका जीवन देख सकते हो. यू विल सी द डेप्थ ऑफ थर्स्ट इन हिम. देन इफ यू लुक एट हिज लाइफ, सिंस चाइल्डहुड वो प्रश्न पे प्रश्न पूछते हैं सबसे. कई जगह नाटकीय रूपांतरण किया गया इन चीज़ों का, बट वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं बचपन से सबसे. तो क्या वो प्रश्न पूछ रहे हैं अपने स्कूल में, अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से, पंडितों से, सबसे? क्या वो प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए? क्या वो प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों का तिरस्कार करने के लिए? या वो प्रश्न पूछ रहे हैं कोई सूत्र ढूंढने के लिए? थर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट, प्यास की बात कर रहे हैं. बचपन से ये व्यक्ति प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहा है, कोई सूत्र ढूंढ रहा है बचपन से,
कुछ उत्तर ढूंढ रहा है बचपन से, हर एक से पूछ रहा प्रश्न वो। शायद ही कोई ऐसी लाइब्रेरी हो जिनके धक्के ना खाए उन्होंने, भटक रहे हैं वो पुस्तकों में, ढूंढ रहे हैं सब जगह। क्या बस ज्ञान उनको ओढ़ना था अपने ऊपर पुस्तकें पढ़ के, एज मोस्ट ऑफ अस डू? नो, थर्स्ट अगेन। जब व्यक्तियों से नहीं मिल रही वो प्यास की पूर्ति नहीं हो रही, तो किताबों से कुछ सूत्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लाइब्रेरी में जाके सारी पुस्तकें छान मारी हुई हैं। किसी ने कहा कि कोई पंडित, कोई बाबा, कोई सदगुरु कहीं आए हैं, तो ही गो देयर टू मीट, टू आस्क क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड, टू ट्राई एंड फाइंड सम सूत्रास। कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको पकड़ के चला जा सके, कोई ऐसी लाइट मिल जाए जिसको देख के चला जा सके, आगे बढ़ा जा सके। प्यास, तो स्कूल जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप के साथ हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, पुस्तकों में ढूंढ रहे हैं। इफ यू लुक एट 24 आवर्स ऑफ द डे, दैट्स ऑल ही इज डूइंग। इंटेंसिटी ऑफ द थर्स्ट, सीन चेंज। लेट्स रिफ्लेक्ट बैक ऑन आवर ओन सेल्फ, व्हाट आर वी डूइंग इन 24 आवर्स? कहाँ ढूंढ रहे हैं, कितना ढूंढ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से ढूंढ रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से जानना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं? सोच नहीं हो के, लुक एट दिस मैन, लुक एट हिज इंटेंसिटी, उनके भटकाव की इंटेंसिटी। फिर 21 साल की उम्र में संबोधि प्राप्त करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो बूम, इज इट वन इवेंट विच हैपेंड और आप जाकर सडनली, इज इट लाइक दैट और इट ग्रोज? क्या ये सडन घटना है या ये धीरे 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 फैलती है आपके जीवन में, गहराई पाती है आपके जीवन में, जड़ें उतारती है आपके व्यक्तित्व में? Oh, 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 oh